और लंबे समय से चली आ रही नया कोर्ट परिसर की मांग एक बार फिर तकनीकी कारणों के चलते अधर झूल में ही लटक गई है। ऐसे में अब कोटा अभिभाषक परिषद द्वारा लगातार सरकार से नए भवन की मांग को लेकर पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन सरकार से और कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल रहा। कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने बताया है कि सीएमएचओ कार्यालय के पीछे नए अदालत परिसर के लिए जमीन आवंटित हुई थी, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से G+5 मल्टी बनी थी, लेकिन आर्मी से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ये कार्य अधर झूल में ही लटक गया है। नई बिल्डिंग जो बननी थी लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत की नई बिल्डिंग बननी थी, पर कुछ तकनीकी कारण की वजह से तकनीकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी थी, पर सेना का एरिया को लेकर कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वह काम वहीं अटका हुआ है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी तकनीकी कारण रहे वह दुरुस्त होकर न्यायालय की बिल्डिंग का काम चालू हो और उसके पश्चात उसके संबंध में PW द्वारा एस्टिमेट और नक्शा बना करके हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी से वो अप्रूवल भी उसका हो गया था। इसके अलावा उसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हुई थी। उस तकनीकी कारणों से और सेना का एरिया होने की वजह से सुरक्षा कारणों से वर्तमान में वो कार्य स्थगित कर दिया गया है और इस संबंध में हम माननीय मंत्री महोदय को भी हमने ज्ञापन मेल से भिजवाया था। मंत्री महोदय से मुलाकात उस समय हो नहीं पाई थी कोरोना की वजह से, और इसके अतिरिक्त हमने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी से भी व्यक्तिगत मुलाकात की, उनको ज्ञापन भी दिया था। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता DP अग्रवाल ने बताया है कि नए अदालत परिसर की बजट स्वीकृत होने के बाद इसकी फाइल हाई कोर्ट के पास बिल्डिंग कमेटी से स्वीकृत हो गई, बजट भी मिल गया है, लेकिन आर्मी द्वारा ऑब्जेक्शन करने के लिए कारण इसका काम अटका हुआ है।